आम आदमी को ना भैया आम आदमी पार्टी भाई से हाँ मैंने सारणपुर से दूसरे हरे 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 कृष्ण हरे 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 देखिए कार्यकर्ताओं में नहीं देश के अंदर करोड़ों लोग, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, आज के इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कब छूटते हैं। और अब अरविंद केजरीवाल का छूटना पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पहली गलती भारतीय जनता पार्टी ने ये की कि उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद ये बात दिख रही थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, लगातार देश के नैरेटिव में अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं, चाहे अपनी बेल को लेके, अरेस्ट को लेके, अरेस्ट के चैलेंज को लेके, अपनी डायबिटीज़ को लेके, इंसुलिन को लेके। और अब जब वो जेल से छूटेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि उनके छूटने पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान उन उन राज्यों में जहां पे आम आदमी पार्टी नहीं भी लड़ रही, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सर एक जरूरी सवाल, 5 कंडीशंस लगाई गई हैं, किस तरह से देख रहे हैं? सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते, सचिवालय में नहीं जा सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। देखिए ये तो चुनाव का समय है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। हम मंत्री होके भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम जो है फाइलों में नहीं होता, क्योंकि कोई नई पॉलिसी, कोई नए डिसीजन नहीं लिए जाते। तो मुझे लगता है कि चुनाव के लिए, प्रचार के लिए जमानत मिली है, वो प्रचार करेंगे। दिल्ली में इलेक्शन कैंपेन को ज़्यादा फायदा होगा या फिर बाकी राज्यों में भी? मुझे लगता है कि दिल्ली की एक इलेक्शन कैंपेन तो अच्छी चल ही रही थी, 7 सीटें हम जीत रहे हैं, मगर बाकी पूरे देश में बड़ा फायदा होने जा रहा है।